दूर से आई थी आज वो चैनल के बारे में जानकारी लेने। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। सॉरी, गुड मॉर्निंग नहीं, गुड आफ्टरनून है। अभी 2 बजे हैं और बस ना, हमेशा मेरा जो ब्लॉग होता है ना, वो सुबह से ही शुरू होता है, तो बस मॉर्निंग ही निकलता है। तो अभी 2 बज चुके हैं, तो गुड आफ्टरनून सभी को, और सभी का वेलकम करती हूँ आपके अपने चैनल लाइव विद रजनी में। और आज मेरा ब्लॉग जो है ना, अब शुरू हो रहा है। सुबह से मेरा ब्लॉग मतलब स्टार्ट नहीं किया था मैंने, और फिर एक लोग आ गई थी, तो जिनकी क्लिप मैं ऐड करूँगी। वो आई थी किसनी से, और इसलिए आई थी कि चैनल कैसे बनाते हैं, कैसे वीडियो शूट करते हैं, कैसे वीडियो अपलोड करते हैं, कैसे एक्टिंग करते हैं, मुझे इसके बारे में थोड़ा जानकारी बता दो, दे दो, तो हम भी चैनल बनाएंगे। वो इसलिए आई थी। तो अभी हमारी बन रही है चाय, क्योंकि दीक्षा जाने वाली है थोड़ी देर में, मतलब चली जाएगी। तो यहाँ पे हमारी बन रही है चाय, चाय पियेंगे हम लोग अभी, और उसके बाद फिर ये निकल जाएगी। शॉपिंग करने के लिए आई थी, 2 दिन हो गए हैं, और कल ही जाना था इसको वापस, परसों आई थी। मार्केट से आते आते रात हो गई थी, जिसकी वजह से ये नहीं जा पाई थी। तो बस हम लोग चाय पियेंगे, उसके बाद ये चली जाएगी। चाय इन्होंने ऐसी बनाई कि मुझे तो दूध मिक्स करना पड़ा अपनी चाय में, इतनी कड़क चाय बना दी, बहुत ज़्यादा कड़क थी। मतलब मुझे तो एकदम से ना कड़वी लग रही थी, मुझे तो ऐसा लग रहा था कि। और ये हैं वो लोग जो कि आए थे कि चैनल कैसे बनाया जाता है, हमें भी बनाना है। तो मैंने थोड़ा बहुत आइडिया दे दिया है, और सारी चीज़ें तो नहीं बता सकती, क्योंकि बहुत कुछ होता है बनाना, चैनल सेटिंग करना, और मतलब बहुत कुछ होता है इसके बारे में, जो भी यूट्यूबर हैं वो जानते हैं। तो मैंने उनको आइडिया दे दिया है, और मैंने उनको बता दिया है कि सभी कुछ यूट्यूब पे आपको देखने को मिल जाएगा, मेरे बताने से आपको नहीं समझ में आएगा। हाँ, इस तरीके से आप जो है देख लेना, कर लेना। और फिर यहाँ पे दीक्षा जाने लगी है, तो मार्केट के लिए आई थी, वो तो रुक गई, लेट दीक्षा हो के गई जाने के इसलिए। बाद मैं थोड़ी सी देर बैठी, फिर मैंने धोए बर्तन जो कि हमारे पड़े थे चाय के और दोपहर के खाने के। कुछ ये हैं और कुछ मैं लगा चुकी हूँ। मतलब मैं क्या करती हूँ, थोड़े से धो लेती हूँ, उनको लगा देती हूँ, फिर मैं थोड़े धोती हूँ। मैं इस तरीके से धोती हूँ बर्तन। और अब ये है बेसन, तो इसको मैं करूंगी डिब्बे में फिल। सर्दियों, सॉरी, अब सर्दियां आ रही हैं तो अब ये बाहर खराब नहीं होगा, तो अब मैं इसको डिब्बे में फिल कर लूंगी। गर्मियों में मैं ना इसको फ्रिज में रखती हूँ, तो इस तरीके के मैंने पैकेट मंगाए हुए हैं, ये इस तरीके के पॉलीथीन जो हमने मंगाई हुई है जिपलॉक, तो इस तरीके से हम इनमें पैकेट में करके और जिपलॉक करके हम फ्रिज में स्टोर करते हैं बेसन को। कीड़े नहीं होते हैं, नहीं तो बाहर अगर आप ज़्यादा दिन रखे रहोगे तो कीड़े हो जाते हैं। और मैं क्या करती हूँ ना, मैं इकट्ठा दाल पिसवा लेती हूँ चने की, जैसे 4 किलो 5 किलो पिसवा लेती हूँ, और फिर मैं उस बेसन को फ्रिज में स्टोर कर लेती हूँ, तो आराम से मेरा जो है 6 महीने चलता रहता है। तो आप इतना मैं डिब्बे में अभी फिल कर लूँगी, और एक पैकेट अभी और फ्रिज में रखा हुआ है, तो इतना मैं अभी बाहर फिल कर लूंगी। तो मेरा अभी जैसे मैं जब भी कुछ बनाती हूँ, तो जब भी ये खत्म हो जाएगा तब वो वाला भी निकाल के डिब्बे में फिल कर लूंगी। क्योंकि थोड़ी देर के लिए छत पे चल रही हूँ, बस 10 मिनट के लिए थोड़ा सा टहलूंगी, और तो मैं आ चुकी हूँ छत पे, और आपको शोर शराबा लग रहा होगा, तो हमारे पास में जो मंदिर है ना, उसमें नेजा चढ़ते रहते हैं। नवरात्रि तो जा चुकी हैं, लेकिन फिर भी अभी चढ़ रहे हैं नेजा, तो आवाज़ आती रहती है, क्योंकि पास में ही बिल्कुल मंदिर है। पौधों में पानी लगाया, मैं सोच रही थी शायद नहीं लगेगा, लेकिन सभी पौधों में पानी चाहिए था। मैं जा रही हूँ खाना खाने, यानी कि डिनर करने जा रही हूँ, और मैंने खाना बनाया नहीं है क्योंकि सूरज ने दोपहर में खाना खाया ही नहीं है। तो मतलब दोपहर में नहीं खाता था वो, तो कभी तो शाम के टाइम जैसे खा लेता था 3-4 बजे, लेकिन आज उसने बिल्कुल खाना खाया ही नहीं है। तो मतलब सब्जी रखी भी है, सब्जी भी रखी हुई है, रोटी भी रखी हुई है, मतलब कुछ बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, तो फिर किसके लिए बनाऊँ, मतलब फेंकना पड़े तो इससे अच्छा है कि आप, मैं मतलब, और खाना भी बहुत लेट बना था, 2 बजे समथिंग बना था, तो
फिर हम लोग वही खा लेंगे, हम नहीं बनाएंगे दूसरा, क्योंकि सब्जी भी रखी हुई है। गोभी आलू की सब्जी बनाई थी, और दीक्षा के जाने के बाद मैं छत पे गई थी तो पौधों को पानी यानी भी लगा। मैं सोच रही थी कि पौधों को पानी नहीं चाहिए होगा, लेकिन जाके देखा तो सारे पौधों को पानी चाहिए था, एक दो पौधे को छोड़ के। और फिर आके मैंने अपना थोड़ा काम किया, जो हमारा रजिस्टर का काम होता है वो मैंने किया, तो नहीं हो पाया ब्लॉग शूट। तो फिर मैंने शाम के टाइम जो है शुरुआत की शूट करने की, क्योंकि चाहे आप इसको अब मेरा जॉब समझ लीजिए या फिर ये समझ लीजिए कि पता नहीं क्यों एक जिस दिन मैं सोचूं कि चलिए आज शूट नहीं करते, आलस आता, लेकिन एक साइड में एक मन हमारा ये कहता है कि नहीं, मतलब अच्छा नहीं लगता, कहता कि नहीं मतलब अच्छा नहीं लगता है, ऐसा लगता है कि कुछ अधूरा अधूरा सा है, ऐसा लगता है। तो फिर लगता है कि चलो बड़ा नहीं छोटा सा सही शूट कर लेते हैं, पता नहीं क्यों मतलब ऐसा लगता है कि कुछ छूटा हुआ है, कुछ छूटा हुआ है, क्योंकि मतलब एक कनेक्टिविटी मतलब छूट जाती, मतलब यहाँ पे मैं किस तरीके से एक्सप्लेन करूँ मैं ये नहीं समझ पा रही हूँ। तो बस मैं इतना बता रही हूँ कि कभी कभी आलस आता है, लेकिन फिर दिमाग में ये रहता है कि यार कुछ छूट रहा है हमारा, कुछ काम छूट रहा है हमारा, तो फिर मैं शूट कर लेती हूँ। बहुत दूर से आई थी आज वो चैनल के बारे में जानकारी लेने, इतनी दूर दूर से लोग आ रहे हैं। इससे पहले भी एक लोग आ चुकी है हमारे पास, हमारे घर से कम नहीं 20 किलोमीटर दूर से, 20-25 किलोमीटर दूर से वो भी आई थी कि हमारा चैनल बना दीजिए, कैसे क्या होता है। तो मैंने उनसे बोला, देखिए मैं चैनल आपका बना दूंगी, आप इतनी दूर हैं, केवल चैनल बनाने से कुछ नहीं होता है, आप जो भी सीखना है आप सब कुछ यूट्यूब पे बताया जा रहा है, सब कुछ बताया जा रहा है, तो आप वहाँ से सीखिए तो ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि हमें बताने में कुछ नहीं है, हम तो बता देंगे कि, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हम एक चीज़ आपको बता देंगे आपकी समझ में ऐसे नहीं आएगा जब तक आप खुद देख देख के रोजाना मतलब नहीं सीखोगे नहीं करोगे। और आज ये लोग आए थे, काफ़ी दूर से आए थे, ये काफ़ी 30-35 किलोमीटर 40 किलोमीटर दूर से आए थे। तो बस मैं ये बात इसलिए बता रही हूँ आपको कि मैं कर रही हूँ तो मेरे यहाँ किसी को पसंद नहीं है, चाहे तो ये समझ लीजिए कि इस चीज़ की वैल्यू नहीं पता है क्या है ना, क्योंकि जब हमें किसी चीज़ के बारे में जानकारी नहीं होती, किसी चीज़ की वैल्यू हमें नहीं पता होती है, तो हमें वो काम नहीं अच्छा लगता। लेकिन मुझे लगता है कि ये एक बहुत अच्छा जॉब है, या मान लीजिए बहुत अच्छा काम है, जिसको आप अपने हिसाब से करते हो, किसी और के हिसाब से नहीं करते हो। आप जॉब करते हो दूसरों के हिसाब से करोगे, आपको टाइम टू टाइम जाना पड़ेगा, उसके बाद भी आपको एक फिक्स अमाउंट मिलेगा, है ना, आपकी सैलरी जो फिक्स होगी वही मिलेगी, उसके बावजूद भी आपको हो सकता है कि सुनना भी पड़े दूसरों की, अगर जैसे आपको कोई गलती हो गई, आप टाइम से नहीं पहुंच पाए तो आपको सुनना पड़ेगा, अब्सेंट भी लग सकते हैं आपके। लेकिन इस काम में क्या है, आप अपनी मर्जी के मालिक हो, जब चाहे तब वीडियो बनाओ, नहीं चाहो मत बनाओ, कोई फिक्स अमाउंट नहीं है इसमें। अगर आपकी वीडियो अच्छी वायरल होती है, अच्छे व्यूज आते हैं, तो आप लाखों में कमाते हो, लेकिन हर कोई वैल्यू नहीं समझता है, समझेंगे कुछ बहुत मतलब बहुत जल्दी बहुत लोग समझ जाएंगे, क्योंकि जब आसपास कुछ ऐसा काम, हम कोई भी काम नया देखते हैं तो हमें लगता है यार ये क्या है, जब उसके बारे में पूरी तरह से हमें जानकारी हो जाती है, हम दूसरे को देखते हैं कि हाँ ये क्या कर रहा है, इसको क्या लाभ है इससे, तब समझते हैं लोग। तो समझे कोई या ना समझे मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, मैं सबने ऑब्जेक्शन उठाया लेकिन मैंने बंद नहीं किया, मुझे क्योंकि बस मैं ये देखती हूँ अपनी तरीके से देखती हूँ कि मैं गलत तो नहीं कर रही हूँ, मैं जब गलत नहीं कर रही हूँ तो फिर मैं क्यों किसी के कहने से रुकूँ, मैं नहीं रुकी और मैंने काम किया, और भगवान की कृपा से भले ही स्लोली हो रही है मेरी ग्रोथ हो रही है। बस मेरे कहने का मतलब ये था, ये बात मैं इसलिए बताने लगी है आपको। ठीक है, मैं जा रही हूँ खाना खाने, और आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू, बाय बाय।